वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में आप लोग को वैकेंसीज की अपडेट देने वाली हूँ। आज की वीडियो में आप लोग को दो वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ, एक है विप्रो और एक है थिंगनेटिव, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो लास्ट वीडियो देखिएगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट है थिंगनेटिव की तरफ से है। यहाँ पे पूरा किया है कि अगर आपने बीए बीटेक किया है, एमई एमटेक किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ही, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही मैकेनिकल सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमसीए किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें दी गई हैं। और दूसरी चीज़ दी गई कि अगर आप 2018, 2019, 2020, 2021 में पास आउट होने वाले हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2018 से लेकर 2021 तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद की यानी 2017 के बच्चे नहीं कर सकते और ना ही 2022 के बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे इसके स्किल्स की बात करें तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए और फ्रंट एंड की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी होनी चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए, यानी कि जब वो आप लोग को ट्रेनिंग दे तो आप उस समय जल्दी से सारी चीज़ों को कैच कर सकें। गुड नॉलेज होनी चाहिए लॉजिकल और डिज़ाइन की, प्लस आपको यहाँ C, C++ और ऊप्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी मस्ट है, ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद नॉलेज HTML, JavaScript और CSS की अगर नॉलेज है, इन तीनों में कोई भी एक चलेगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए आपके CSS मांगा गया है तो आपको CSS की नॉलेज होनी चाहिए और बूटस्ट्रैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद दो टेक्निकल राउंड होंगे, ठीक है, टेक्निकल राउंड 1 एंड टेक्निकल राउंड 2। दोनों टेक्निकल राउंड क्वालिफाई करने के बाद से आपका मैनेजर एंड लॉजिकल राउंड होगा, उसके बाद से लास्ट आपका होगा HR राउंड, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 5 प्रोसेस होंगे जिसमें आपको ये पांचों प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप पांचों प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको ये इमिडिएटली ज्वाइन करना होगा, लेकिन इस समय लॉकडाउन है तो आपको ये घर बैठे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, प्लस इसकी जो सैलरी है वो 3 LPA है, ठीक है। बहुत लोग का ये होता है कि मैम सैलरी क्या है इसकी, तो यहाँ पर नई सैलरी बताई गई रहती है तो मैं वहाँ सैलरी नहीं बता पाती हूँ, बट हाँ यहाँ पर आपको सैलरी बताया गया कि आपकी सैलरी 3 LPA होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप फॉर्म फिल करना चाहते हो कि नहीं, एग्री कर रहे हो या नहीं, ये चीज़ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है। फुल नेम फिल करने के बाद आपको जेंडर क्या है वो चूज़ करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी देख के आपको फिल करना है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे ही आनी है। उसके बाद से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चूज़ करना है कि आपने किया क्या है। उसके बाद आपका ब्रांच कौन सा वो चीज़ चूज़ करना है, ठीक है। तो आपका ब्रांच अगर अदर है तो यहाँ पर आप अदर पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आपका ब्रांच दूसरा है तो वो भी आप यहाँ पर कर लेना। मैं यहाँ अदर करके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को फिल करके दिखाना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन है कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, लेकिन तो भी आप लोग फिल कर लेना कि अगर बाई चांस अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, क्योंकि रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही आपको आगे की प्रोसेस होगी, अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद से आपका ये जो ग्रेजुएशन है कब हो रहा है, तो आपने जब भी पास आउट किया होगा आपको वो चीज़ चूज़ करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर परसेंटेज चूज़ करना है कि आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ फिल कर सकते हो, नहीं है तो उसे आप रहने दे सकते हो। उसके बाद टेंथ क्लास में आपका कितना परसेंट है वो आपको यहाँ फिल करना है, और उसके बाद कौन सी ईयर में आपने किया था तो वो ईयर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, तो स्टेट देख लेते हैं कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके। इसके बाद से आपको यहाँ पर कंट्री, सॉरी सिटी, तो सिटी आप यहाँ पर फिल कर लोगे,
सिटी के बाद से यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद से कि आपके पास पहले से कोई ऑफर लेटर है कि नहीं है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद अगर यस होगा तो आपको यहाँ चूज़ कर लिखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से चूज़ किया है, ठीक है। इनफैक्ट कहाँ का आपका ऑफ़र लेटर, किस कंपनी का ऑफ़र लेटर आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपने सिस्टम से अगर कर रहे हो या मोबाइल से अपलोड कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर लेना जहाँ पर भी आपके फ़ोटोज़ रखे होंगे। ये हमारा फ़ोटो चूज़ हो गया। इसके बाद इसको चूज़ करने के बाद से अपलोड पर क्लिक कर देना, तो ये आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद से आपका ये हो गया। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना है, तो रिज्यूम भी उसी तरह से सेम प्रोसेस है। आपने अपना रिज्यूम जहाँ पर भी रखा होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट करके रिज्यूम अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें डाल दी, यानी कि अपलोड कर दिया, सेकेंड स्टेप कम्प्लीट। इसके बाद से नेक्स्ट है, टोटल 5 स्टेप्स है, तो 2 स्टेप्स कम्प्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद से आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, कितना आप रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 3 LPA, तो आप 3 LPA चूज़ कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप जो चीज़ चाहो वो चीज़ चूज़ कर सकते हो। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो कि आप पुणे में आप जाने के लिए रेडी हो, पुणे में अगर काम मिले तो आप उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो ये चूज़ करना है। फ्रॉम ऑफिस आफ्टर कोविड, कोविड के बाद आप ऑफिस में वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, तो आप यहाँ यस कर देना। इसके बाद से इसके आगे का कोई प्लान है स्टडी का, तो अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज इंटरव्यू के टाइम अपना प्रीफर करना चाहते हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। उसके बाद से आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस पर चूज़ किया था, व्हाट टेक्नोलॉजी यूज इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसमें कुछ भी चूज़ नहीं किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको यहाँ डाटाबेस में क्या किस चीज़ की नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद से आपको अपनी रेटिंग देनी है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है उसमें आप अपने आप को किस रेटिंग पर रखते हो। उसके बाद अपनी इंग्लिश को किस रेटिंग पर रखते हो वो चीज़ चूज़ करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ठीनेटिव की पूरी प्रोसेस है कि कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विप्रो का। विप्रो की इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट जो कंपनी है आपका विप्रो का है, लोकेशन आपका हैदराबाद दिया गया है, पोजीशन जो है आपके एसोसिएट की है, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर बैचलर डिग्री के अलावा कोई और डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2019, 2020 एंड 2021 के बच्चे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करके और इसकी जो भी पॉलिसी है आप इसको एक्सेप्ट करते हो, और उसके बाद से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से आपको ये चीज़ ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी है। इमेज के लिए भी माय कंप्यूटर, ओके। तो हमने यहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर दिया है, पिक्चर भी अपलोड कर दिया है। इसके बाद से आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है, जो भी आपने पासवर्ड दिया है उसको रीटाइप कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे है आपका मिस्टर चूज़ कर लेना अपने नेम के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ आपका जो नेम है सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिल करना है, तो ये आपका फ़ोन नंबर यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस देनी है। इसके बाद से आप यहाँ पर पहले कभी वर्क किए हो कि नहीं यहाँ पर विप्रो कंपनी में, वो चीज़ आपको चूज़ करना है। अगर यस करते हो तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको NA फिल कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद से आपने इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से सुना है ये चीज़ आपको यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो भी आप चूज़ करना चाहो वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद से आपको यहाँ डिग्री चूज़ करना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको ब्रांच चूज़ करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर कंट्री चूज़ करना है, तो कंट्री आपका इंडिया। इसके बाद से आप नीचे आओगे, वर्क एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो आप उसे रहने दे सकते हो। इसके बाद से आपको टाइम जोन करना है चूज़, ठीक है। इसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद से ये आपकी जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको यस करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो टोटल इतने ही प्रोसेस है, दो स्टेप थे, दोनों स्टेप में करना था, आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।